दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों आप सभी के लिए पॉलिटी का नौवां लेक्चर देने जा रहा हूं। नौवें लेक्चर में आज हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। जी हां दोस्तों, देखिए संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका एकदम डिक्टो सेम है, बहुत ज्यादा दोनों में समानता है। मैं आज आपको कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, तो जितना कुछ आपने संघ की कार्यपालिका में पढ़ा ना, वो सारा आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। यानी जैसे संघ में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। जैसे वहां मंत्रिपरिषद होता है, वैसे यहां राज्य का मंत्री परिषद होता है। जैसे वहां पर प्रधानमंत्री होता है, वैसे यहां पर क्या होता है, वैसे यहां पर मुख्यमंत्री होता है। जैसे वहां पर राज्यसभा और लोकसभा यानी उच्च सदन निम्न सदन के रूप में होते हैं, वैसे ही यहां पर क्या होता है, विधान परिषद और विधानसभा। जिस तरह से वहां पर संसद होता है, वैसे यहां पर विधानमंडल होता है। और जैसे वहां पर महान्यायवादी होता है, वैसे यहां पर महाधिवक्ता होता है। तो लगभग आपको मोस्टली ज्यादातर पॉइंट क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे, एक दूसरे से मैच करते हुए मिलेंगे। तो हम लोग दोस्तों दोनों चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो याद रखेगा। इसके अलावा बस वही सारी चीजें हैं, विधान परिषद विधानसभा सबके कार्य और शक्तियों के बारे में देखने चलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राज्य का शासन यहां से शुरू होता है और राज्य की कार्यपालिका। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। चलो फिर से याद दिलाऊं क्या, भाग 1 में हमने पढ़ा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 में पढ़ा था नागरिकता के बारे में, भाग 3 में पढ़ा था हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 4 में पढ़ा था राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, भाग 4 में पढ़ा था मौलिक कर्तव्यों के बारे में, भाग 5 में पढ़ा था संघ और उसकी कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। और उसी तरह से भाग 6 में दे रहा दोस्तों यहां पर राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। तो याद रखें यहां एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, मैं कह रहा हूं कि एकदम मैच करा के आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। लेकिन अब भारतीय संविधान में भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर के 153, अच्छा संघ की कार्यपालिका कहां पे था, वो 53 में नहीं था, वो 52 से था। अरे अनुच्छेद 52 में ही तो बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में तो ये कहा गया था कि वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, ऐसा ना, ठीक है। वो 52 से शुरू हुआ था और ये वाला 153 से शुरू हुआ, ठीक है। तो याद रखेगा राज्य की कार्यपालिका 153 से लेकर के 167 तक जो है बताई गई है, अनुच्छेद 167, तो याद रखेगा, ठीक है, जिसमें राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य के कार्यपालिका के बारे में राज्यपाल के बारे में बताया गया है, मंत्रिपरिषद हो गई जो आपकी, मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, विधान परिषद विधानसभा, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों महाधिवक्ता वगैरह भी पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा जो राज्यपाल होता है, ये राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक उसी तरह से जैसे केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। चलो राज्यपाल से अपनी कहानी शुरू करते हैं। राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है, क्या बोलते हैं, गवर्नर, याद रखेगा गवर्नर। इसी तरह से जब राज्यपाल कभी केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको कहा जाता है, LG बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो आगे देखिए दे रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, ये तो आपको बता दिया गया। जिस प्रकार से संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। करा राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है, यानी राज्यपाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को चलाता है, ठीक है। आगे लिख रहे हैं अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, ऐसा बताया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, ऐसा बताया गया अनुच्छेद 153 में। एक बात और यहां पे कही गई है कि अगर किसी राज्य में एक राज्यपाल है तो अपने अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य के कार्यभार को भी संभाल सकता है, मतलब एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। यही रीजन है कि अभी आपने देखा कि लालजी टंडन जी की मृत्यु हो गई, जो मध्यप्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, उनको एक्स्ट्रा कार्यभार दे दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया मध्यप्रदेश देखने का भी। तो मध्यप्रदेश भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी देख रहे हैं, मध्यप्रदेश भी देख रहे हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा है किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इसकी चर्चा भी अनुच्छेद 153 में की गई है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, करा सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके द्वारा
प्रावधान जोड़ा गया था कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा, एकदम सिंपल सी बात बता रहे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाकी के लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पेड क्लास में आप कमेंट का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये आपकी भलाई के लिए बता रहा हूं, आराम से पढ़ते चलिए। कोर्स कवर करना वो हमारी जिम्मेदारी है, आपके हिसाब से हम कोर्स नहीं कवर करेंगे। और एक बात और बता दूं, यहां पे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे तो आपको क्लासेस दी जा रही हैं, ये आप मान के चलो कि जो हो रहा है सही हो रहा है। ठीक है, वरना कोई अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेगा। रही बात कुछ लोगों की, नहीं सर आप फीस वापस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इस तरह के कानून ना बताएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आए हैं पढ़ाई करने, पढ़ाई करिए। आपका सिलेक्शन हम अपनी जिद में लेकर के चल रहे हैं तो हम दिला के रहेंगे और पूरी मेहनत करने को तैयार है। रही बात कंटेंट की, क्वालिटी कंटेंट की, कि किस क्वालिटी कंटेंट से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप किसी दूसरे वीडियो से आप मैच करा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्वालिटी कंटेंट है। जो दिया जाता है वो अपने आप में बेस्ट दिया जाता है, खाना पूर्ति करने के लिए नहीं दिया जाता है। रिकॉर्ड है, आपको जो भी कंप्यूटर की क्लास दी गई या जो भी क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है, जरा आप कभी कंपेयर करके दिखा देना आप। ठीक है, किसी से भी कंपेयर करके दिखा देना, मुझे पता है कि चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, इसलिए शांति से आप सभी पढ़ाई करें, दूसरों को भी डिस्टर्ब मत होने। ठीक है, चलिए योग्यता की बात कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति की योग्यता होती है, डिक्टो लाइन टू लाइन कॉपी है दोस्तों राज्यपाल की योग्यता। व्यक्ति कैसा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। ठीक है, तो याद रखें राज्यपाल और राष्ट्रपति की आयु के लिए 35 वर्ष कहा गया है, जबकि जो उच्च सदन है, चाहे वो राज्य में हो जैसे विधान परिषद हो, चाहे वो विधान परिषद हो या फिर राज्यसभा की बात कर लूँ, इन दोनों में जो उम्र मांगा गया है वो 30 वर्ष का मांगा गया है। और वहीं निम्न सदन में जैसे जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में जो उम्र मांगा गया वो मांगा गया 25 वर्ष का। ठीक है, तो याद रखें 25, 30 और 35, ये तीन एज ग्रुप है, तीनों एज ग्रुप को आप याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ शर्तें बताया जा रहा है, उन शर्तों के बारे में देख लीजिए। कर अनुच्छेद 158 के तहत, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे राज्यपाल को संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अरे मेरे भाई, क्या राष्ट्रपति किसी मंडल का सदस्य होता है? क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं ना। ठीक है, वो प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है। अगर प्रधानमंत्री किसी अन्य व्यक्ति को बना दिया गया, किसी अन्य व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, तो उसके लिए सदस्यता आवश्यक होती है, राष्ट्रपति के लिए सदस्यता आवश्यक नहीं है और ना ही उपराष्ट्रपति के लिए। उसी प्रकार से राज्यपाल जो है ये ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही अपने यहां उसके यहां जो विधानमंडल है उसमें विधान परिषद और विधानसभा, ना तो उनका सदस्य होता है, सदस्य नहीं होता है। करा उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। लाभ का पद मतलब क्या है दोस्तों? एक राज्यपाल एक साथ दो कार्य कर रहा है, मतलब राज्यपाल के कार्य के अलावा किसी और कार्य को भी कर रहा है, तो ऐसा संभव है क्या? एक व्यक्ति दो नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता ना, बस सिंपल सी बात है। तो लाभ के पद पर ना हो। करा कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, जब तक उसका कार्यकाल चल रहा है तब तक उसकी उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है, किसी का नहीं कम किया जा सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है नियुक्ति और पदावधि। पदावधि मतलब पद की अवधि, कितने समय के लिए राज्यपाल बनता है। तो याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है और बकायदा एक पत्र दे करके, उस पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है, लिखित तरीके से इनकी नियुक्ति होती है, मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 54 में ही बता दिया गया। ठीक है, तो एक स्टेप पीछे चल रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राज्यपाल को हटाया भी जा सकता है। कैसे? वही संसद में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, करा राष्ट्रपति राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार ऐसा बताया गया। भाई राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर रहा है ना, तो उन्हीं के प्रसाद पर्यंत है। ठीक है, और उन्हीं को रिपोर्ट करता भी है। राज्यपाल किसे रिपोर्ट करता है? राज्यपाल प्रधानमंत्री को नहीं रिपोर्ट करता, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं रिपोर्ट करता, राज्यपाल क्योंकि यह केंद्र का व्यक्ति है तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब देखिए त्यागपत्र से बहुत प्रश्न आते हैं। देखिए यहां पर एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को, देखिए तीन लोग हैं हमारे सामने, तीन लोग हैं, राष्ट्रपति हैं,
उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है आप सभी को, और यहाँ पर राज्यपाल हैं, ठीक है, ये तीन लोग हैं। तीनों लोग अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये तो आपस में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। लेकिन राज्यपाल की बात कर दूं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति किसने किया है, राष्ट्रपति ने किया है, इसीलिए राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है, राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। तो ये तथ्य आपको याद रखना है, ये तथ्य आप गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो फिर मत बोलिएगा कि नितिन सर समझ में नहीं आया, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, समझ में आया ना। चलो आगे देखते हैं, लिख रहा है राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। दोस्तों ये तो रहा कि वो त्यागपत्र किसको देता है, अगर मैं सेम शपथ की बात कर दूं, शपथ की, तो याद रखिए अगर मैं राष्ट्रपति की बात कर दूं तो राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके सामने। लेकिन यहां राज्यपाल किसके सामने लेता है, क्योंकि राज्य का मामला है तो राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष जाकर के शपथ ग्रहण करता है राज्यपाल। तो एकदम डिक्टो है, मैंने आपसे कहा कि संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका एक साथ मैच करेगी, और मैं दोनों बातों को बताते चलूंगा ताकि गलती से कुछ दिमाग से स्किप कर गया हो तो आपको याद आ जाए, ठीक है, भूलने ना पाए। यार मैं खुद आपके बारे में सोचता हूं, और आप जो है अगर हमारे ऊपर उंगली उठाने लगेंगे, कटाक्ष करेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा, वो भी हमारे ऊपर, नितिन सर के ऊपर, जो आदमी दिन रात आपके मेहनत के लिए काम कर रहा है, आपकी सफलता के लिए सपने सोच रहा है, सपने सजा रहा है, उसके साथ आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। दिल मत दुखाया करिए दोस्तों, ठीक है, आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। चलो वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति की कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है और वह कर मुक्त होता है, पढ़ाया गया था ना। यहाँ पे याद रखिएगा, राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपए होता है, और यह दो या दो से अधिक राज्यों का यदि कार्यभार देखता है तो उसका एक्स्ट्रा मनी मिलता है। भाई दो दो कार्य का दो दो जो है कार्यभार झेलना है ना, जैसे आनंदीबेन पटेल जितने समय के लिए मध्य प्रदेश का कार्यकारी राज्यपाल के रूप में थी, उतने समय के लिए उनको क्या मिलेगा, मुद्रा दिया जाएगा। तो लिख रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा बात है यार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। करा राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्ति होती है, जिस तरह से दोस्तों हम लोगों ने विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति, इस तरह से तमाम शक्तियों के बारे में पढ़ा, प्रशासनिक शक्ति, किसके बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक वैसा ही डिक्टो लाइन टू लाइन मैच करता हुआ मिलेगा यहां पर, याद रखिएगा। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, अब कार्यकारी शक्ति की जैसे ही बात करेगा तो उसके यहां जो मंत्री परिषद है, जो मुख्यमंत्री है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। लिख रहा है राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दोस्तों ये डिक्टो वही वाला है, राष्ट्रपति क्या करता था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता था और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता था। बाद में वही मंत्रिपरिषद क्या करता था, सलाह मशवरा देता था और राष्ट्रपति को मानना पड़ता था। डिक्टो वही काम यहां पर भी है, यही मंत्रिपरिषद जो अभी बन रही है ना, यही इनको सलाह देने का काम करेगी, अभी राज्यपाल को सलाह देने का काम करेगी और उसी के आधार पर ये राज्यपाल काम भी करेंगे, ठीक है। लिख रहा है राज्यपाल जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों को नियुक्त करता है, ठीक है, जो मुख्य जो देश का लोक सेवा आयोग है जिसके बारे में अनुच्छेद 315 में आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहां पर अगर अध्यक्ष और सदस्यों की बात आती है तो वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहां पर क्योंकि राज्य का मामला है तो यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। विशेषता, विशेषता याद रखिए दोस्तों, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की करता है लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता है, हटाने के लिए बस वही है, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय है वहां पर प्रतिवेदन दीजिए और वहां पर राष्ट्रपति जो है उसको हटा सकता है, ठीक है, हटाने के लिए, लगाने के लिए लगा सकता है राज्यपाल। करा राज्यपाल द्वारा राज्य विश्वविद्यालय जितने भी होते हैं, राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उसके जो कुलपति नियुक्त किए जाते हैं वो राज्यपाल ही नियुक्त करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अगर कुलपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन अगर राज्य विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वहां पर कुलपति की नियुक्ति वो राज्यपाल करता है। तो ये याद रखेंगे आप टर्म्स, ठीक है। अगला दे रहा है राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, याद रखिए, राज्यपाल से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करेगा, करेगा राष्ट्रपति परामर्श खाली लेगा, लेकिन जो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उन सबकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। तो राज्य के मामले में यह कंडीशन जब आती है, जब यह परीक्षा में प्रश्न बनता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश है तो शायद राज्यपाल करता होगा, नहीं, राज्य का, राज्य के हाईकोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश है तो राज्यपाल नहीं,
उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति सलाह लेता है, केवल सलाह लेता है, सलाह मानने को बाध्य नहीं है। सलाह के लिए कभी कोई बाध्य नहीं हो सकता। आप किसी सलाह लेते हो तो सामने वाले ने जो सलाह दे दी आप मानने के लिए बाध्य हो क्या? नहीं, आप बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, कर राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता। जिस तरह से केंद्र सरकार अपने लिए कानून में परामर्श के लिए महान्यायवादी रखती है, महान्यायवादी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो भी कानून बनाए जा रहे हैं हमारे संसद में वो कहीं किसी दूसरे कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से महान्यायवादी को बिठाया गया। ठीक है, महान्यायवादी को बिठाया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके अंदर में दो जो है और बनाए गए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के अंदर एक एडिशनल, चार एडिशनल अलग से रखे गए, मतलब कुल छह लोग और काम करते हैं उनके अंदर में। ठीक है, तो भी याद रखेगा सॉलिसिटर जनरल दो, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत दो अटॉर्नी क्या बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल आते हैं और चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आते हैं। ये सब लोग मिलकर के बस कानून में जो है कमी तो नहीं है इसी को ढूंढते हैं। उसी तरह से राज्यपाल की मदद के लिए यहां पर कौन आ जाएगा? महाधिवक्ता। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल आ जाएंगे। ठीक है, ये राज्यपाल को सहयोग देते हैं, जब भी कोई कानून बनता है तो वहां पर जांच पड़ताल करने का कार्य इनका होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जब कभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसे आप आपातकाल का नाम देते हैं, तो उस समय याद रखिए जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ये तो सही है, क्योंकि उस समय क्या होती है, जब आपातकाल लग गया तो जो विधानसभा होती है वो कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। ठीक है, या तो अगर ऐसा कंडीशन बना तो, ये तो अलग अलग कंडीशन होता है, जैसे अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तब ऐसा होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो चीजें बदल जाती है। ठीक है, वो मैं आपको भाग 18 में जब आपातकाल बताया जाएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, करा राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर संसूचनाएं प्राप्त करता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, राज्य के संदर्भ में। ठीक है, तो याद रखेगा करा राज्य के प्रशासन के संदर्भ में मुख्यमंत्री से। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जरूर किया है, लेकिन समय समय पर संसूचना मुख्यमंत्री देता रहता है, किसके माध्यम से? मंत्रिपरिषद के माध्यम से। ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री संसूचना देता है अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार करा राज्यपाल राज्य के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद। दीजिएगा उच्च सदन कौन होता है? जैसे वहां पर राज्यसभा होता है ना, वैसे राज्य में विधान परिषद होता है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था। अब जम्मू कश्मीर जब राज्य की श्रेणी से हट गया है तो यहां से विधान परिषद भी समाप्त हो गया। अब केवल 6 राज्य बचे हैं जहां पर क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए फिलहाल करा विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, उसमें कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे राष्ट्रपति क्या करता है, बताइए, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 लोगों को मनोनीत करता है, बस वही वाली कहानी यहां पर भी दोस्तों। यहां पर 1/6 लोगों को, कुल सदस्य संख्या के 1/6 लोगों को मनोनीत करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये राज्यपाल की है। ठीक है, जो लोग किससे, शिक्षा से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से, सहकारिता से संबंधित होंगे या विशेष अनुभव रखेंगे, ऐसे व्यक्तियों को यहां पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियों के बारे में देख लीजिए। लिख रहा है कि राज्यपाल जो होता है ये राज्य विधानमंडल का अंग होता है। दोस्तों वो तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद बनती है। जिस तरह से इन तीनों को मिलाकर के संसद बनती है, उसी तरह से विधान परिषद, विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो, नहीं तो विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर के विधान मंडल तैयार होता है। क्या तैयार होता है? विधान मंडल। याद रखें यही विधान मंडल दो भागों में बटा होता है, विधान परिषद होता है एक हिस्सा, ठीक है, जिसको आप उच्च सदन बोलते हो, एक विधानसभा होता है जिसको आप निम्न सदन बोलते हो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कह रहा है कि यही तीन मिल करके क्या बनते हैं? राज्यपाल। जहां पे विधान परिषद नहीं है वहां पे मत शामिल कीजिए। ठीक है, करा राज्यपाल राज्य विधान मंडल के सत्र को आहूत करता है, संबोधित करता है और विघटित करता है और सत्रावसान करता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है। जब कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाना होता है तो भी राष्ट्रपति ही बुलाता है। ठीक है, बुलाता राष्ट्रपति, अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी वो दे देता है लोकसभा अध्यक्ष को। लेकिन यहां पर याद रखेंगे, यहां पर भी वही चीज है, आहूत करना, संबोधित करना, विघटित करना, सत्रावसान करना, ये राज्यपाल के पास है। ये पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विधायी शक्तियां हैं, करे वह विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को, जिस तरह से राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में अगर आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व ठीक ठाक नहीं है तो दो व्यक्तियों को, अधिकतम कितना, दो व्यक्तियों को लोकसभा में नियुक्त किया, मतलब मनोनीत कर सकते हैं, नियुक्त नहीं मनोनीत कर सकते हैं, ऐसा हमारे अनुच्छेद 331 में बताया गया है। बताया हूं ना,
आंग्ल भारतीयों के बारे में 331 में बताया गया। और यहां कह रहा है कि विधानसभा में, जैसे वहां लोकसभा होता था, निम्न सदन, उसी में नियुक्त करते हैं, उसी तरह से राज्यों का मामला आएगा। तो जो विधानसभा होता है उसमें अगर आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक मेंबर, कितना याद रखेंगे, एक लोगों को क्या करेंगे यहां पर रहने दिया, नियुक्त किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, ऐसा अनुच्छेद 333 बताता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक का राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है। दोस्तों जो कुछ भी पास होता है विधानमंडल में वो फाइनली आता है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के हस्ताक्षर अगर हो गए तो फिर वहां पर वो अधिनियम तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कर यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो, ठीक है, यानी जैसे वो नहीं होता था, हमारा राष्ट्रपति करते थे, अगर कभी तत्काल कानून की जरूरत पड़ जाती थी तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते थे। अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिए और वो अध्यादेश तत्काल प्रभाव से कानून बन जाता है। लेकिन जब कभी सत्र स्टार्ट होगा तो उसको जो है पास करना पड़ेगा, अगर पास हो गया तब तो अधिनियम बनेगा, नहीं तो फिर फेल हो जाता है ऑटोमेटिक। बस वही चीज यहां पर भी है। और वो जो 123 था दोस्तों, उसको 123 की जगह पे देखो, राष्ट्रपति वाला अध्यादेश 123 में था और इसको आपको उल्टा कर देना 213। ठीक है, ये दो को पहले कर दो, 213, तो 213 याद रखेगा। 213 के तहत राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करता है अगर सत्र नहीं चल रहा है तो यही लिख रहा है कि यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि यदि सप्ताह के भीतर पारित ना हो जाए, अगर सत्र चला और पारित नहीं हुआ तो स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको भी याद रखिए, पिछले वाले की तरह एकदम सेम वैसे ही। और सत्र के बीच में अधिकतम गैपिंग कितनी होती है, 6 महीने की गैपिंग होती है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते जाइए दोस्तों, एकदम मन लगा के बस देखते चलिए। लिख रहा है राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त, ठीक है, मैंने आपको वहां पे कंडीशन बताया था कि राष्ट्रपति क्या करता है, धन विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त जैसे जो कार्य होता ना, यहां पे कह रहा है कि राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। धन विधेयक को नहीं भेज सकता है, बाकी को वापस भेज सकता है, लेकिन अगर वह दोबारा पारित कर दिया गया तो फिर राज्यपाल उसे मानने के लिए बाध्य होता है। एकदम डिक्टो कंडीशन मैच करती है राष्ट्रपति के से। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 200 बता रहा है, अनुच्छेद 200 बताता है कि राज्यपाल यदि किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देना चाहता या फिर उसे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रखना चाहता है कि पहले मैं राष्ट्रपति से राय मशवरा लूंगा उसके बाद हस्ताक्षर करूंगा, तो ऐसा वो कर सकता है। यह उसको जनरल विधेयक के लिए पावर दिया गया, ठीक है, कि राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के लिए वह उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, ऐसा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्यपाल के न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। न्यायिक शक्तियां क्या क्या होती है उनके बारे में देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति मिली होती है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, निलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, ठीक है, जो भी उसको दंड दिया गया, उसी प्रकार की शक्तियां इनके पास भी होती हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति देता है और राज्यपाल 161 के अनुसार देता है। ठीक है, लिख रहा है अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषय जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, ठीक है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम दे सकता है, परिहार कर सकता है, अथवा दंडादेश जो है दंडादेश का जो है लघुकरण ये सब भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन यदि मृत्यु दंड मिल गया, ठीक है, मृत्यु दंड, तो फिर उसका कंडीशन रुक जाएगा। ठीक है, मृत्यु दंड के कंडीशन में यहां पर एकदम आपको जैसे क्षमादान जो फाइनली क्षमादान होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल भी वहां पर नहीं कार्य कर पाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करता है। राज्यपाल मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान प्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है, वो लघुकरण कर सकता है, यानी अगर आपको बहुत बड़ा दंड दिया गया उसमें परिवर्तन कर दे, छोटा कर दे, ये सब काम कर सकता है, लेकिन याद रखिए यहां पर मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, वो राष्ट्रपति के पास ही पावर है। राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। भाई सेना न्यायालय में तो जो दंडादेश मिल गया उसके लिए राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं होती, ठीक है, तो भी याद रखेंगे। वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी उसके बारे में देखिए, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया
जा सकता, ठीक है। यहां पर एक बार चाहिए होता है, एक बार अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है। हालांकि राज्यपाल इसे वापस नहीं लौटाता, लेकिन यहां पर अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होने से पहले बजट पेश होता है। तो विधानमंडल में याद रखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं, एक्चुअली में बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तुत करवाता है, ये राज्यपाल की जिम्मेदारी बनती है, अनुच्छेद 202 के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से ले सकता है, ऐसा तो राष्ट्रपति के पास भी है, ठीक है। विनियोग विधेयक पारित होता है दोस्तों यहाँ पर, करा हुआ राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है, याद रखेगा, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, अब राज्यपाल के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां, हालांकि आपातकाल लगाने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत बताया गया है, बट यहां पर कुछ आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल के पास है, वो भी देखिए। करा जब एक राज्य में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, ठीक है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए या ज्ञात हो जाए या पता चल जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चल रहा है, मतलब हमारे राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ठीक है, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू करवा सकता है, ठीक है। लेकिन वो खाली प्रतिवेदन भेजेगा, अब अगर राष्ट्रपति को भी ऐसी संसूचना मिल जाती कि हां राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में आपातकाल लगा दिया जाएगा और वहां पर जो आपका विधानसभा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए अगली बात दोस्तों मुख्यमंत्री के बारे में कर लेते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत किया था अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 74 जो था वो संघ की मंत्रिपरिषद थी, ठीक है। यहां पर दो है दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिख रहा है राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब मुझे नहीं कहना पड़ेगा ना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी के केंद्र शासित प्रदेश में तो वैसे एलजी होते हैं, बाकी वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, बट यहां दो ऐसे जगह हैं जहां पर मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो याद रखेगा थोड़ा सा। यहां पर दिल्ली इंपॉर्टेंट है, दिल्ली याद रखेगा। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है, तो सिंपल सी बात है, ये तो मैंने पहले कह दिया था। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल। भाई वही नियुक्त कर रहा है तो शपथ वही दिलाएगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस तरह से जो संघ की मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के नेता ही होते हैं, लोकसभा दल के नेता ही होते हैं, इसलिए। तो यहां पर भी याद रखिएगा, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब कभी किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को भी त्याग पत्र देना पड़ता है, सही है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब है कि आपने अपना मत खो दिया, आपने बहुमत खो दिया, बहुमत खो दिया तो मंत्रिपरिषद भंग और विधानसभा का क्या हो जाएगा, विधानसभा हालांकि विघटित नहीं होगी क्योंकि वहां पर बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाएगा। फ्लोर टेस्टिंग होता है, राज्यपाल फ्लोर टेस्टिंग कराता है, उसके बाद जो जीतेगा वही सिकंदर, ठीक है, ऐसा होता है। कर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन और विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है, ठीक उसी तरह से जैसे अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को संसूचित करे हर एक चीज के बारे में, वैसे उसके लिए तो अलग से अनुच्छेद था और यहां पर अनुच्छेद 167 है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए लगे आज दोस्तों हम लोग राज्य की विधायिका के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि राज्य की विधायिका क्या क्या है, ठीक है। लिख रहा है राज्य विधानमंडल का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल विधानमंडल, और विधानमंडल में दोनों चीजें, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, इन दोनों को मिला करके होता है, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। अभी तक 7 ऐसे राज्य थे जहां पर विधान परिषद थी, जिसे हम शॉर्टकट में ताज कुंभ लिखा करते थे, क्या लिखते थे, TAJ, ताज कुंभ, याद रखेगा, CUM
एम बी, ठीक है। अब इसमें से यहां पर जो जे फॉर जम्मू कश्मीर था वो हट गया है क्योंकि वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। बाकी टी फॉर तेलंगाना याद रखेगा, तमिलनाडु मत करेगा, तेलंगाना याद रखेगा। ए फॉर दोस्तों याद रखेगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, के फॉर कर्नाटक हो जाएगा, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र और बी फॉर बिहार। तो अभी ये छह राज्य बचे हैं जहां पर क्या है ये चल रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेगा। विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं, लिख रहा अनुच्छेद 169, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसी तरह का अनुच्छेद हमने वहां भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था 79 में संसद के बारे में बताया गया था, ठीक है, मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। वहां पे संसद के बारे में बताया गया था, 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया था, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया था। ये तीनों हम लोगों ने पढ़ा था सीरियल से ना, वहां पर पढ़ा था। और इसी तीनों को मिला करके हम लोग देखते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है, ये दोनों जब मिला देंगे तो ये संसद बन जाता है, क्या बन जाता है, संसद। उसी प्रकार यहां पर जो अनुच्छेद 169 दे रहा है, कह रहा है कि संसद विधानसभा का गठन कर, विधान परिषद का, ये जो विधान परिषद है जो अन्य राज्यों में नहीं है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, जो अभी केवल 6 राज्य में चल रहा है। लिख रहा है कि अगर संसद चाहे तो क्या कर सकती है, वो विधान परिषद का गठन कर सकती है और यदि चाहे तो विघटन भी कर सकती है। कोई राज्य अगर अपने यहां के विधान परिषद को विघटित करने चाहता है तो विघटन हो सकता है। लेकिन ध्यान देंगे, हम लोगों ने पढ़ा था जो राज्यसभा होता है केंद्र की कंडीशन में, संसद की कंडीशन में जो राज्यसभा होता है ये कभी भी विघटित नहीं हो सकता, कभी भी विघटित नहीं हो सकता। जबकि उच्च सदन है, यहां भी विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है, लेकिन इसका विघटन हो सकता है। अंतर है कि नहीं दोनों में, तो याद रखेगा ये अस्थाई सदन होता है, ये जो अनुच्छेद 80 में हम लोगों ने पढ़ा था ये अस्थाई सदन होता है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। हर 2 साल पर इसके सदस्य चेंज जरूर होते हैं एक तिहाई, लेकिन विघटन नहीं होता है। यहां पर विघटन हो सकता है, और विघटन करेगा कौन, तो संसद बना भी सकती है, गठन भी कर सकती है, संसद विघटित भी कर सकती है, दोनों तथ्यों को याद रखेगा। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के पारित कर दिया जाए कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या में बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो गई, तो ऐसा किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि कहीं से हटाना है तो फिर बहुमत में आपको पारित करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के ये सारी चीजें हटेंगी। लिख रहा विधान परिषद ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन माना जाता है, लेकिन अस्थाई कहना गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि विघटित हो सकता है, हालांकि माना जाता है आमतौर पर अस्थाई। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा, याद रखेगा बात कर रहे हैं विधान परिषद की कि भाई विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या होगी, तो लिख रहा है कि राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम, दोनों नहीं सकती ना, तो 1/3 यानी टोटल विधानसभा के जितने मेंबर हैं उनका मान लीजिए एक्स मेंबर हैं तो एक्स का 1/3, ठीक है, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकती और 40 से कम भी नहीं हो सकती, यानी मिनिमम 40 होते हैं, ठीक है, मिनिमम 40 हो सकते हैं। करा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है, जैसे राज्यसभा वालों के लिए 30 वर्ष था वैसे यहां भी 30 वर्ष रखा गया, ठीक है, 30 वर्ष, जैसे लोकसभा का 25 वर्ष था वैसे यहां जब विधानसभा पे आएंगे तो इसका भी 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा विधानसभा एक अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है, लेकिन भंग मतलब इसको राज्यपाल विघटित कर, सॉरी संसद विघटित कर सकती है, ठीक है, एकदम मतलब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं ना जहां पर विधान परिषद था लेकिन हटा दिया गया, तो वो कैसे हुआ, विघटित हुआ ना, ठीक है, तो याद रखेगा, हालांकि अस्थाई माना जाता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, जैसे राज्यसभा का होता है वैसे यहां का भी विधान परिषद में भी 6 साल का कार्यकाल होता है, हर दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं, फिर नई एंट्री होती है, ठीक है, एकदम डिक्टो सेम टू सेम वैसा ही है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वही तो है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा वाले में हम लोग प्रत्यक्ष वोटिंग करते हैं, राज्यसभा के लिए हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। लिख रहा है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको याद रखेगा, कह रहा विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कहां से होता है, या स्थानीय निकाय के निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। 1/12 सदस्यों को माध्यमिक अथवा उच्च विद्यालयों में कम से कम जिनको 3 वर्ष का शिक्षण कार्य कर लिया हो, जो ऐसे स्नातक हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और शेष 1/6 सदस्य ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता था राज्यसभा में। तो इसको याद रखिएगा, ये विधान परिषद की कंडीशन है, ठीक है, और ये अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक को सभापति चुनते हैं और एक को उपसभापति चुनते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा।
विधान परिषद सभापति और उपसभापति एक दूसरे को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद में सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी लिखित संसूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी। ठीक है, तो इतनी बातें दोस्तों थी आपके विधान परिषद से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं और विधानसभा के बारे में हम लोग बातें पढ़ लेते हैं। विधानसभा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा है दोस्तों। कह रहा विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये जनता का सदन है ना, राज्य में जनता का सदन है विधानसभा, याद रखेगा। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 170 में विधानसभा है और अनुच्छेद 81 में वो लोकसभा दिया गया है। ठीक है, दोनों पढ़ते चलिए, दोनों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल मुख्यतः कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जैसे कि लोकसभा के सदस्यों का। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकती है, जैसे वहां के मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति भंग कर देता है उसी तरीके से। ठीक है, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर किया जाता है और प्रत्यक्ष वोटिंग कराई जाती है। ठीक है, तो याद रखेगा प्रत्येक सभा में अधिकतम इस समय संख्या कितनी हो सकती है, 500, अधिकतम 500 है और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा की बात कर रहा है, विधानसभा में यही हमने पढ़ा, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती थी। विधानसभा के टोटल के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 40 से कम नहीं हो सकती विधान परिषद के कंडीशन में, लेकिन विधानसभा की कंडीशन में न्यूनतम 60 हो सकती है, अधिकतम 500 हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। राज्यपाल आंग्ल समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है विधानसभा में, मैंने पहले बता दिया, इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि अपवाद स्वरूप में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा सदस्य बहुत कम है, लिख रहा है गोवा और मिजोरम में, ठीक है, 40 हैं और सिक्किम में 32 हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, यह भी अपवाद स्वरूप है, परीक्षा में आता है। विधानसभा के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेता है, जिस तरह से कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है संसद में लोकसभा अध्यक्ष बताता है, उसी तरह से यह भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए, विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर सामान्यतः मतदान नहीं करता है, परंतु यदि मत बराबर हो गया है तो निर्णायक मत के रूप में वो अपना मत प्रयोग करता है, कास्टिंग वोट का नाम दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो एकदम एक एक लाइन की बात है, इसमें कहो डिस्क्राइब करना है, क्या डिस्क्राइब करना है बताओ, एक दूसरे को संबोधित करके दे दें। ठीक है, कह रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन वही है संसूचना 14 दिन पहले दे दो। ठीक है, विधानसभा बैठक के लिए जो गणपूर्ति होता है वहां भी जो कोरम पूरा करना होता था 1/10 का कोरम होता है, यहां भी 1/10 का कोरम होता है, तो ऐसा कुछ खास दिया नहीं यहां पर। विधानमंडल के कार्य और शक्तियां बता रहा है, कह रहा है विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून जो है बनाती है, और ऐसा ही नहीं 249 जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके तहत हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है अगर उसे ऐसा महसूस होता है या राज्य कहती है तो। ठीक है, विधानमंडल को समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि समवर्ती सूची में दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसका नाम समवर्ती सूची रखा गया है, परंतु इस बनाए गए कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून से अगर विरोधाभास उत्पन्न होता है तो संसद वाला बेस्ट माना जाएगा, भाई केंद्र सरकार है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेस्ट माना जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के वित्त मंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा जोखा विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही जैसे जो देश का वित्त मंत्री होता है देश का बजट लाता है, जो राज्य का वित्त मंत्री होता है राज्य का बजट पेश करता है। करा धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात विधान परिषद में पारित होने के लिए भेजा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 14 दिन अधिकतम, अगर नहीं पारित करेंगे तो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा और पारित कर देंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात होती है ये। देखिए, करा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मैंने बताया था राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों भाग लेते हैं, लेकिन जितने मनोनीत वाले होते हैं सबको हटा दो तरफ से, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो चाहे वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत हो, एक तरफ से हटा दो। और विधान परिषद वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, क्यों, 6 राज्य में विधान परिषद है, बेइज्जती कराओगे क्या, बाकी लोग देखेंगे, यानी विधान परिषद वाले हिस्सा नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। करा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, तो पहले ही बता दिया हूं। ठीक है, इसको याद रखेगा, आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगले टॉपिक में दोस्तों एक नए चैप्टर के साथ आऊंगा और एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।